हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल चौहान और आप देख रहे हैं दिमाग प्रसन्न। तो आज की इस वीडियो हम कुछ रिस्ट रिहाइब्रेशन एक्सरसाइज के बारे में बात करने वाले। अगर आपको पास्ट में कभी रिस्ट इंजरी हुई है या फिर इंजरी की वजह से आपका थोड़ा बहुत पेन है, तो इन एक्सरसाइज को परफॉर्म करके आप अपने पेन को दूर कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज की वजह से आप अपनी रिस्ट की रिकवरी को फास्ट कर सकते हैं। नोट, किसी भी मूवमेंट या फिर एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से पहले अपने डॉक्टर या फिर फिजिशियन से सलाह जरूर लें। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी बेसिक एक्सरसाइज के बारे में, वो है हमारी रिस्ट रोटेशन। सबसे पहले तो आपको 20-20 रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज करने हैं। सबसे पहले 20 रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज और 20 रेपिटेशन एंटी क्लॉकवाइज। और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो है हमारी रिस्ट का फ्लेक्शन और एक्सटेंशन। इस तरीके से फ्लेक्स, इस तरीके से एक्सटेंड, इस तरीके से फ्लेक्स। लेकिन आपको वही मूवमेंट परफॉर्म करना है जिसमें आपको पेन ना हो। अगर ऐसा है कि आपके ये मूवमेंट करने में पेन हो रहा है तो उसको हल्का हल्का सा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा एक्सटेंड करना है या फिर ज़्यादा फ्लेक्स करना है। ये मूवमेंट परफॉर्म करते दौरान आप किसी स्टूल या फिर बेंच, फ्लैट बेंच का यूज कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से फ्लेक्स, इस तरीके से एक्सटेंड, सेम विद इस तरीके से। अब इस तरीके से फ्लेक्स करना है, इस तरीके से एक्सटेंड करना है। ओके, सेम 20-20 रेपिटेशन। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपकी इंजरी एक रिस्ट में तो आपको सिर्फ उसी का यूज करना है, आप दूसरी रिस्ट का भी यूज कर सकते हैं। उससे आपकी मोबिलिटी ही बढ़ेगी, उससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ही बढ़ेगी। ओके, तो आपको थर्ड एक्सरसाइज है वो है इस तरीके से आपको करना है और सेम 20 रेपिटेशन। ओके, 1, 2, 3, 4। ओके, तो अब जंप करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। उसको करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट का यूज करना पड़ेगा। आपके लिए आप किसी भी हैमर या फिर इस तरीके का वेट का यूज कर सकते हैं। और आपको वेट को इस तरीके से पकड़ना है एक डायरेक्शन में और इस तरीके से करने हैं 20 रेपिटेशन, 1, 2, 3, 4, स्लो एंड स्टडी, सेम विद नेक्स्ट डायरेक्शन, 1, 2, 3, 4। ये आप दूसरे हैंड से भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जिससे में इंजरी हुई है उसी से करना है। 1, 2, 3, इसी तरीके से 20 रेपिटेशन, 20 रेपिटेशन दूसरी डायरेक्शन। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है हमारी हैमर रोटेशन। उसके लिए हैमर का यूज़ कर सकते हैं, कोई लाइट हैमर का या फिर इस तरीके के वेट का। आपको सिंपली अपनी जो फोर आर्म है उसको बेंच पर प्लेस करना है और हैमर को एक साइड से पकड़ना है और इस तरीके से रोटेशन कराना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। लेकिन आपको उतना ही रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करने जिसको आप स्मूथली कर पाओ। ऐसा नहीं कि इसके बाद आपको पेन हो रहा है तो आप ज़बरदस्ती इस मूवमेंट को परफॉर्म करो। जिसको आप स्मूथली कर पा रहे हो सिर्फ उसी को ही करना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। आपको किसी वेट को लेना है, आप लाइट डंबल का भी यूज कर सकते हैं, हाफ के जी या फिर 1 kg, अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, अगर आप वेट लिफ्ट कर सकते हैं तो। ऐसा नहीं कि आप वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिस्ट में पेन हो रहा है जब भी आप हैवी वेट का यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये एक्सरसाइज करनी है सिर्फ रिहाइब्रेशन के लिए, ना कि मसल बिल्ड करने के लिए। ओके, तो इस तरीके से ये बिल्कुल लाइट वेट है, इसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। इस तरीके से फ्लैक्स, इस तरीके से एक्सटेंड, फ्लैक्स एक्सटेंड, फ्लैक्स एक्सटेंड, फ्लैक्स, सेम विद अपोजिट, इस तरीके से करने और इस तरीके से सेम 20 रेपिटेशन बोथ हैंड से। सो अब जंप करते हैं हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर, जिसमें हम अपनी रिस्ट पर थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे इस तरीके से। सबसे पहले अपनी आर्म को इस तरीके से रखना है, फ्लोर पर या फिर बेंच पर प्रेशर नहीं देना है, सिर्फ आर्म को लूजली इस तरीके से प्लेस करना है और इस तरीके से अपनी आर्म को आगे लेके आना, स्ट्रेच देना है इस तरीके से, सेम विद अपोजिट डायरेक्शन। इस तरीके से आर्म को रखना है और इस तरीके से स्लोली स्लोली स्ट्रेच देना है। और आपको इतना भी स्ट्रेच नहीं देना है कि आपकी रिस्ट में पेन हो, सिर्फ उतना ही जितना आप कंफर्टेबल रहकर कर पाओ। ऑलराइट, तो ये थी कुछ रिस्ट रिहाइब्रेशन एक्सरसाइज जो मैंने अपनी रिस्ट इंजरी के दौरान परफॉर्म की थी और जिनसे मेरे को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली थी। आई होप ये सभी एक्सरसाइज आपको भी हेल्प करे, तो आप इन एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इन सभी मूवमेंट को परफॉर्म करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर ले कि आपको नहीं पता है कि आपकी इंजरी किस लेवल पर है और आपका एक गलत मूवमेंट आपकी इंजरी को और भी ज़्यादा डैमेज कर सकता है।
तो कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले अपनी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। ऑलराइट, वीडियो को यही पे एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। और अगर आपका कोई कमेंट या सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। वंदे मातरम।